दोस्तों होमगार्ड से संबंधित काफी जरूरी अपडेट निकल कर आ रही हैं। दोस्तों जानेंगे इन अपडेट्स के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं पहली अपडेट के बारे में। पहली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश में उजागर हुआ एक और होमगार्ड घोटाला। ड्यूटी किए बिना ही लेते थे सैलरी। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद में होमगार्ड घोटाला सामने आया है। होमगार्ड ड्यूटी पर आते ही नहीं थे और उनके नाम पर सैलरी उठाई जा रही थी। इस संबंध में कमांडेंट ऑफिस में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कभी नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। चार होमगार्ड जो ड्यूटी पर नहीं आते थे उनके नाम पर सैलरी उठाई जा रही थी। जांच अधिकारियों का कहना है कि ऐसे और भी केस हो सकते हैं, इसलिए मामले की विस्तृत जाँच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले नोएडा और बुलंदशहर में भी होमगार्ड की तैनाती में करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आया था। बुलंदशहर होमगार्ड घोटाले की जांच एडीएम वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार सिंगल की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी कर रही है। बुलंदशहर के होमगार्डों ने 1 दिसंबर 2016 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक जिन विभागों और थानों में ड्यूटी की है इस अवधि की जांच टीम द्वारा की जा रही है। इसमें होमगार्ड के ड्यूटी रजिस्टर और मस्ट रोल का मिलान किया जा रहा है। बुलंदशहर में कुल 1600 होमगार्ड है। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या होमगार्ड विभाग में इस तरह के घोटालों से कभी छुट्टी मिल पाएगी या फिर नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। चलिए चलते हैं आज के अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के बांदा से। निर्धारित वर्दी में समय से ड्यूटी ज्वाइन करे होमगार्ड कमांडर। शनिवार को नगर बांदा के सभी होमगार्डों की बैठक शहर के बिजली खेड़ा स्थित कैंप कार्यालय में कंपनी कमांडर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर बैठक में उपस्थित सभी होमगार्ड को संबोधित करते हुए कंपनी कमांडर सुरेश चंद्र विश्वकर्मा ने कहा, सभी होमगार्ड अपनी अपनी ड्यूटी समय से पहुंचना व टर्नआउट का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि होमगार्ड हमेशा निर्धारित वर्दी में ही ड्यूटी ज्वाइन करें, क्योंकि बिना वर्दी और नेम प्लेट के सही तरीके से होमगार्ड की पहचान नहीं हो पाती। उन्होंने आगे कहा कि होमगार्ड ड्यूटी के समय वर्दी के सफाई एवं स्वच्छता का भी विशेष ध्यान दें। इस मौके पर सभी होमगार्ड ने उनके दिए गए सभी सुझावों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी के पालन करने का भरोसा दिलाया। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा के फरीदाबाद से। राजकीय अस्पताल में होमगार्ड संभालेंगे सुरक्षा की कमान। राजकीय अस्पतालों में तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अप्रैल के अंत तक होमगार्डों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय में खाका तैयार कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बेड के अनुसार अस्पतालों में होमगार्डों की संख्या निर्धारित की गई है। बीके अस्पताल में करीब 30 होमगार्ड मिल सकते हैं। इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, जो निजी सुरक्षा कर्मियों की तुलना में 6 अधिक होंगे। बादशाह खान सहित जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी होमगार्ड तैनात की जाएंगे। उनकी तैनाती प्रत्येक गेट और डॉक्टरों के कक्ष के सामने रहेगी। सिविल सर्जन और प्रधान चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में 2 से 3 गार्ड को तैनात किया जाएगा। अभी तक अस्पताल में 24 सुरक्षा गार्ड को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि अप्रैल तक उन्हें हटाया जा सकता है। उधर निजी सुरक्षा एजेंसियों के सुपरवाइजर किरण का कहना है कि अभी तक मुख्यालय से किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के राजकीय अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने के लिए प्रथम चरण में करीब 1730 होमगार्डों को तैनात करने की स्वीकृति मिल गई है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर तैनात किया जाएगा। इसके बाद सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किए जाएंगे। होमगार्ड ड्यूटी पर ड्रेस में तैनात रहेंगे, उनके पास डंडा होगा। मौजूदा समय में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के पास डंडा भी नहीं है। दोस्तों अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है हरियाणा के फरीदाबाद से। यहां पर 1730 होमगार्ड को अस्पतालों की सुरक्षा में लगाए जाने की तैयारी की जा चुकी है, यानी कि 1730 होमगार्डों को ड्यूटी मिल जाएगी। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि हरियाणा में वाकई में होमगार्डों को अस्पतालों में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी या फिर ये फैसला भी आगे बढ़ता चला जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए। चलिए चलते हैं आज के अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। 4 माह बाद भी नहीं हुआ होमगार्ड की हत्या का पर्दाफाश। सुचितपुर गांव में 4 महीने पहले हुई होमगार्ड की हत्या का पर्दाफाश पुलिस आज तक नहीं कर सकी। मौके पर आए वाराणसी जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय सिंह मीना ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर कातिल को गिरफ्तार कर लेने का वादा किया था, लेकिन आज तक पुलिस इसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि हत्या किसने की और कारण क्या था। 31 अक्टूबर की रात गौराबाद शाहपुर थाने में तैनात उक्त गाँव निवासी होमगार्ड पंचम चौहान, जो 52 वर्ष के थे, हमलावरों ने उनकी पत्नी के सामने ही गला रेत कर हत्या की थी। तात्कालीन पुलिस
पुलिस अधीक्षक रात में ही मौके पर आए थे। मृत होमगार्ड की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 3 अज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी जोन के IG विजय सिंह मीना अगले दिन सुबह घटना स्थल का मुआयना करने आए थे। तब उन्होंने कोतवाली पुलिस को आवश्यक निर्देश देने के साथ ही 24 घंटे के भीतर घटना का पर्दाफाश कर कातिलों को गिरफ्तार कर लेने का मृतक के स्वजनों व ग्रामीणों को आश्वासन दिया था। 4 महीने बीत जाने के बाद भी IG का दावा हवा हवाई साबित हो रहा है। विवेचना करने के नाम पर पुलिस के हाथ पर हाथ धरे बैठे होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप लोग देश के किस राज्य से होमगार्ड है। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने राज्य अपने जिले का नाम लिखिए और आगे लिखिए होमगार्ड, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।